वर्ल्ड के भाई मोस्ट पावरफुल गेमिंग कंसोल को आज पूरा सेटअप करेंगे एंड साथ ही में उसमें भाई GTA 5 रन करके देखेंगे, क्योंकि अपन को तो भाई शुरू से प्लेस्टेशन की आदत है, उसी में हमने GTA 5 खेली है। बट आज पता चलेगा भाई ये एक्सबॉक्स सीरीज एक्स पावरफुल गेमिंग कंसोल GTA को कैसे रन कर पाता है। साथ ही साथ में भाई पूरा सेटअप करेंगे, वायरिंग से रिलेटेड आपको बताऊंगा कहां कहां पे क्या क्या कनेक्ट होता है, अकाउंट कैसे बनाते हैं, गेम पास भी देखेंगे भाई खरीद के, तो वो सारा प्रोसीजर ना आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरी लाइफ की पहली एक्सबॉक्स है, हो सकता है आपने भी कभी ना लियो, तो मेरे लिए भी काफी चीजें नई हैं एंड आपके लिए भी काफी चीजें नई होगी, लेकिन वीडियो के एंड तक भाई आपको काफी सारी मैं नॉलेज दे दूंगा एक्सबॉक्स वन एक्स से रिलेटेड, तो इसलिए पूरा देखना है। अभी तो ये भाई तो 3, 2, 1 अनबॉक्सिंग हम पिछली वीडियो में कर चुके, तो आप देख लेना, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। अब सीधा चलते अपने गेमिंग रूम में और वहां पर इसको कनेक्ट करते हैं टीवी के साथ, GTA 5 के मजे लेने हैं ना भाई सब। क्योंकि बॉक्स के अंदर भाई हमें चार चीजें मिली थी, हमारा मेन कंसोल, एक कंट्रोलर, एक ये HDMI केबल एंड एक ये पावर केबल। सबसे पहले तो आपको ये पावर केबल कंसोल के पीछे इस वाले पोर्ट में लगानी है कुछ इस तरह से, एंड इसको लगा लेना भाई नाक के अंदर, मजाक कर रहा हूँ भाई, इसको सॉकेट में लगाना है ऑब्वियसली। उसके बाद ये है HDMI केबल, जिसका एक पार्ट आपके टीवी में लगेगा एंड एक पार्ट लगेगा कंसोल के पीछे ए इस जगह पर, यहाँ पर HDMI आउट का पोर्ट दे रखा है यहाँ पर ऐसे। एंड भाई ये HDMI पोर्ट को थोड़ा सा ना ध्यान से ही लगाया और निकाला करना, वरना इसका एक बार पोर्ट खराब हो गया ना तो बहुत झंझट होती है। ये दूसरे वाला लगा देते हैं अपने टीवी के पीछे। एंड भाई पावर देने के बाद ना आपको ये एक्सबॉक्स का जो गोल सा लोगो दिख रहा है ना, इसको दबाना है। तो ये देखो भाई लाइट आ गई और आवाज भी आई टी की। लो जी कंसोल हमारा ऑन हो चुका है। अभी यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हम ना ऐप के थ्रू भी डायरेक्ट जो है सेटअप कर सकते हैं, बट हम ऐप नहीं भाई, हम अपना इसी के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले तो लैंग्वेज कर लेते हैं इंग्लिश, और एरिया ये पूछ रहा है हम रहते भैया इंडिया में। उसके बाद भाई वाईफाई कनेक्ट करने के लिए पूछ रहा है, तो ये भी कर देते हैं। ये लो जी वाईफाई से जो है वो कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद रीजन पूछ रहा है वापस से इंडिया ही। अपडेट्स के लिए यहाँ पे चेक कर रहा है कंसोल, और है भाई 1.3 GB की है, और इसके बिना भाई अपना कंसोल आगे स्टार्ट भी नहीं होगा, तो कर ही देते हैं अपडेट पे। बाकी ये कह रहा है इस QR कोड को स्कैन करके ना हम थोड़ा सा स्पीड अप भी कर सकते हैं पूरे प्रोसेस को। नीचे की साइड आप देख सकते हो बाकी डाउनलोड भी चल रहा है। एक काम करता हूँ, स्कैन करके ना इनकी ऐप भी डाउनलोड कर ही लेता हूँ भाई। तो इसको स्कैन करते ना भाई ऐप स्टोर में एक्सबॉक्स की ऐप खुल गई है, ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। चलो जी इंस्टॉल हो गई है, ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह का दिखा दिया यहाँ पे साइन इन और सेटअप कंसोल, तो हमें कंसोल सेटअप करना है। अब ये यहाँ पर ना कोड मांग रहा है, जो आप भाई टीवी में भी देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है, तो वही मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जल्दी जल्दी एंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक, यहाँ पे एक्सेस मांग रहा है भाई कैमरा का, कर देते हैं। इसके बाद वापिस से QR कोड स्कैन करना है जो टीवी में दे रखा है। लो जी आ गया, ये कंटिन्यू पे करते हैं क्लिक। अब ये मांग रहा है हमारा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, जो हम भाई क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से क्रिएट वन पे लिखा है ना, इस पे सबसे पहले तो मोबाइल नंबर से भी आप कर सकते हो या फिर अपना नॉर्मल ईमेल आईडी डाल के भी। मैंने तो अपना जो ऑलरेडी अकाउंट था उसी को लॉगिन कर लिया, और करते हैं लेट्स गो पे क्लिक। अब ये देखो फोन पे ही ना पूरा सेटअप का प्रोसेस आ गया, बट हम भाई फोन से नहीं अपने कंसोल से ही करेंगे, क्योंकि इंटरनेट स्पीड इतनी तेज थी कि डाउनलोड हो भी गई है। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो अपने कंट्रोलर में हमें ये वाला बटन जो है वो होल्ड करके रखना है इस तरह से, शायद ये कंट्रोलर जो है कनेक्ट हो जाएगा इससे। लो जी हो गया। अब ये कह रहा है ए दबाने को, तो ए दबा दिया। अगला इसमें भी मांग रहा है भाई कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन करो, तो वही अपना जो हमने बनाई थी डाल देते हैं। ये सब डालने के बाद देखो भाई हो गया है, फिर करना है नेक्स्ट पे क्लिक। इस पे भी कर देते हैं ऐसा आई मीन, फिर से भाई नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है, कर दिया। प्राइवेसी कंट्रोल है ये, इसके लिए भी नेक्स्ट करते हैं। और ऊपर मेरा आपको यूजर नेम दिख रहा होगा ANM4O3L, कोई रिक्वेस्ट भेजना चाहता है तो भेज सकता है। फिर साइन इन एंड सिक्योरिटी के लिए ये पूछ रहा है कि पिन से हम अपना कंसोल अनलॉक करेंगे या लॉक से, और नो बैरियर में कोई भी नहीं, तो पिन वाला सही है, अपना पिन सेट कर देते हैं। पिन मैंने सेटअप कर लिया है 6 डिजिट का, ये भी कर देते हैं भाई लिंक कंट्रोलर। अब ये पूछ रहा है इसको आपको अपनी होम एक्सबॉक्स बनाना है या फिर बाद में भी आप कर सकते हो, तो कर देते हैं भाई इसको भी। कंसोल का कलर कौन सा रखे, वैसे तो ग्रीन ही रखना चाहिए, बट मुझे भाई ब्लू पसंद है, ये वाला या ये वाला ज्यादा बढ़िया, यही रखते हैं। तो ये बता रहा है इस तरह से जो है हमारी एक्सबॉक्स दिखेगी। नेक्स्ट पे करते हैं। टाइम जोन जो है वो चेन्नई वाला लगाया हुआ है, नेक्स्ट करेंगे। ये भी नेक्स्ट, ये भी कंटिन्यू। 4K टीवी अपना, तो कीप डिस्प्ले एट 4K ही रखेंगे। लो जी हो गया है, लेट्स गो, पूरा सब कुछ, टेक मी होम। तो इस तरह से जो है अपना मेन जो UI या फिर मेन्यू दिखता है अपना एक्सबॉक्स का और प्लेस्टेशन का, भाई जमीन आसमान का फर्क है पूरे मेन्यू में, आप देख ही सकते हो कितना फर्क आ गया। अब ये मेन्यू समझाने से पहले ना गेम इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा थोड़ा। तो ये देखो भाई हम गेम इसमें डालने वाले हैं, सबसे पहले GTA 5। अभी तक मैंने इसको अनबॉक्स भी नहीं किया, फटाफट से करके लगाते हैं। लेफ्ट साइड में अपनी वही डिस्क दे रखी है, यहाँ पे राइट साइड में कुछ पुस्तकें हैं ऑनलाइन से रिलेटेड, और ये गेम में कुछ एड ऑन मिलते हैं हमें क्रिमिनल इंटरप्राइज वाले, तो उसका पीछे कोड दे रखा है। ये देखो ये डिस्क है भाई, ऊपर Xbox One लिखा हुआ है, नीचे GTA 5 और
अपना नॉर्मल रॉकस्टार वगैरह के लोगो। अब सिंपल है डिस्क डालने के लिए, बस यहाँ पर हमें इसको होल्ड करके रखना है एंड डिस्क अपने आप अंदर टाटा बाय बाय हो गई भाई। एंड यहाँ पर अभी तक तो भाई शो नहीं करी, ओ आ गई ये रही देखो। तो मैं इस पे करता हूँ क्लिक एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टॉल जो है वो हो रही है। अपडेट साइज जो है भाई 42.1 GB का है, तो कर ही लेते हैं अपडेट। तो ये देख सकते हो भाई यहाँ पर जो है वो 42.14 GB का डेटा डाउनलोड होने लग रहा है और कॉपी भी जो डिस्क से हो रहा है वो हो रहा है 42 GB का। तो ऑलमोस्ट भाई 84 GB के आसपास की गेम है। बट ये अजीब है भाई, डिस्क में सिर्फ 42 GB है, बाकी डाउनलोड हो रहा है, अपना प्ले स्टेशन में तो नहीं होता। अपडेट फाइल उसमें भी होती है डाउनलोड, पर थोड़ी बहुत होती है, इतनी थोड़ी। जब तक भाई ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो रही है आपको कुछ मेन्यू दिखाता हूँ। ये इसका स्टोर है एक्सबॉक्स गेम पास, आप यहाँ से खरीद सकते हो, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में ना डिटेल में कवर करूंगा कौन कौन से प्लान्स आते हैं। फिर यहाँ पर सेटिंग्स का बटन है, इस पे जाते हैं भाई। इस वाले ऑप्शन से आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने एक्सबॉक्स को, प्रोफाइल वगैरह, थीम, कलर, ये सब। टीवी एंड डिस्प्ले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको सेटअप दिखा देगा, 4K टीवी है, वीडियो मोड्स आ जाएगा। रेजोल्यूशन में देखो भाई 4K में आप खेल सकते हो 1080p और 720p। डिवाइस कंट्रोल में भी काफी चीजें दे रखी है, नाइट मोड दे रखा है, टीवी को कैलिब्रेट कर सकते हो। और हमारा जो टीवी है ना वो देखो भाई ये चीजें जो टिक है ना वो सपोर्ट करता है, क्योंकि 4K 60 है हमारे में, 120Hz नहीं सपोर्ट करता, तो उस पे अपना रोंग आ रहा है। इसके अलावा भी अपना टीवी कुछ खास है नहीं भाई इस कंसोल के लिए, तो ज्यादा नहीं देखते। ऑनलाइन सेफ्टी एंड फैमिली फीचर आ जाएंगे, वॉल्यूम एंड ऑडियो आउटपुट, पावर ऑप्शन, फिर अकाउंट्स का है, सिस्टम है यहाँ पर, कंसोल इन्फॉर्मेशन दिखा नहीं सकता। स्टोरेज डिवाइस में जाएंगे तो यहाँ पर हमें भाई 802 GB जो है वो SSD मिलती है, मतलब है तो 1 TB बट जो यूजेबल है ना वो 802 है, जिसमें से भाई 700 GB जो है वो फ्री है। अपडेट्स आ जाएगा, एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगी, लैंग्वेज वगैरह, बैकअप एंड ट्रांसफर टाइम, डिवाइस एंड कनेक्शंस में एक्सेसरीज, मीडिया रिमोट वगैरह आप लगा सकते हो। फिर प्रेफरेंसेस आ जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी आ जाएगी, ये अभी हमारे काम का नहीं है। अच्छा, इसके मेन्यू की जो एनिमेशन है ना वो बड़ी थोड़ी लैगी सी है, देखो जैसे मैं बैक करूंगा और ये देखो लैग हो रहा है ना, मतलब अपना PS5 में बहुत स्मूथ है भाई, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है, पता नहीं अब ये बनाया ऐसा गया है क्या दिक्कत है। इसके अलावा एक्सबॉक्स सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सबॉक्स एक्सेसरीज है, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी है, नीचे आपको यही स्टोर वगैरह मिल जाएंगे, जैसे गेम पास फर्स्ट मंथ के लिए 50 रुपये का केवल, हॉगवर्ट्स लेगेसी आप प्री ऑर्डर कर सकते हो। ये मतलब वही नॉर्मल अपना जो स्टोर की चीज़ें होती है ना वो यहाँ पर आपको दिखाता रहता है। एक बार स्टोर भी देखते हैं भाई कैसा है। तो अभी ल्यूनर न्यू ईयर सेल चल रही है अप टू 67% ऑफ, लेट्स सी भाई। FIFA 23 मिल रही है सिर्फ 1199, ओ भाई साहब इतनी सस्ती भाई, ये अभी मैं करोल बाग में पूछ के आया हूँ 3000 रुपये की मिल रही है और इसमें 1199, ये तो मैं जरूर खरीदूंगा। रेड डेड भी भाई 67% ऑफ पे मिल रही है 1300 रुपये की, भाई बहुत स्टील डील है यार ये तो देखना। इसके अलावा GTA मिल रही है 1050 की, मैं डिस्क में खरीद के लाया हूँ 1100 की, तो ठीक है। कॉल ऑफ ड्यूटी भी है यहाँ पे अच्छे प्राइस पे, और भी देखो भाई एक्सेसिन स्क्रीड वगैरह भी है, और ये गेम पास में जो जो है ना इंक्लूडेड वो आपको दिखाता भी रहेगा कि अगर आप गेम पास खरीदोगे तो ये आपको उसी में फ्री मिल जाएगी। इसके अलावा देखो बैटमैन भी है, ये भी है, और ये बैटलफील्ड वगैरह जो है वो EA Play का जो पास है उस पे आपको फ्री मिल जाएगी। तो काफी गेम्स है यार, सेल भी अच्छी चल रही है, बट मैं सोच रहा हूँ अपना ना ये खरीद लेता हूँ, इसका मेरे को मन है बड़ा, FIFA 23 का। तो एक्सबॉक्स में अपनी FIFA 23 मिल जाएगी 1199 में, और वैसे भी ये गेम पास में कभी भी फ्री नहीं मिलती, और जो EA का भी पास है ना उसमें लेटेस्ट वाली नहीं मिलेगी, पुरानी तो मिल जाती है शायद से, तो ना ये खरीद ही लेंगे। अच्छा, इसमें भी दो एडिशन है, ये देखो अल्टीमेट है जिसमें आपको काफी चीजें मिलेगी, बट ये है 2600 का, छोड़ो भाई ये नॉर्मल ही लेंगे। ओ EA Play में भी है भाई साहब ये गेम इंक्लूडेड, ये देखो लिखा गया ना 3599 में, हम अगर हम EA Play लेंगे तो उसमें हमें ये मिल जाएगी, या फिर हम 1199 में ये बाय भी कर सकते हैं। EA Play का जो प्राइस है वो है भाई 315 रुपये पर मंथ, और अगर हम 12 महीने का देखें तो वो बहुत सस्ता है 1990। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये EA Play वाला जो ऑप्शन है ना भाई, इसका मतलब है कि अगर EA Play होगा तो हमें ये 3599 की पड़ेगी, पता नहीं समझ नहीं आ रहा, तो हम नॉर्मल यही खरीद लेंगे भाई 1199 की। अब ये पिन मांग रहा है हमारा, अब यहाँ पर हमें पे करने के लिए कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, या तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर लो, या फिर आप गिफ्ट कार्ड रिडीम कर सकते हो, तो अभी मैं क्रेडिट कार्ड से करता हूँ। कार्ड होल्डर नेम ये सब डालेंगे भाई डिटेल। तो ये सब डालने के बाद हमने जो है भाई खरीद ली अपनी FIFA 23, क्लिक करते हैं। अब आपको क्या करना है, ये एक्सबॉक्स वाला जो लोगो का बटन है ये दबाना है, और यहाँ पे जाना है माई गेम्स एंड एप्स पे, सी ऑल पे क्लिक करके हमारी गेम्स आ जाएगी। देखो GTA 5 है और FIFA 23, GTA 5 अभी इंस्टॉल हो रही है और FIFA 23 क्यू पे है, चलो होने देते हैं दोनों को अच्छे से। बाकी एप्स पे जाके हमें अपनी सारी एप्स मिल जाएगी जो आप इंस्टॉल करोगे, फुल लाइब्रेरी में सब कुछ है। तो ये तो था भाई स्टोर से रिलेटेड सब चीज। गेम पास आपको दिखा देता हूँ कितने का क्या है, नहीं यार छोड़ो लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आपको ना मैं आराम से बना के दिखाऊंगा, अलग वीडियो बन जाए वही ज्यादा बेटर है ना। तो बस मोटा
छोटा तो मेन्यू में यही चीजें थी, ऊपर जाके आप सर्च कर सकते हो, ये सेटिंग्स वापस से आ गए। इसके अलावा माइक म्यूट है अनम्यूट है वो दिखा रहा है और बैटरी दिखा रहा है, बाकी टाइम है साइड में। रात को 12 बजे वीडियो शूट कर रहे हैं हम, देखे भाई कितनी हो गई जीटी अपनी, अभी तो 43% हो चुकी है, चलो होने देते हैं। लो जी अपनी जीटी तो इंस्टॉल हो चुकी है, फीफा 23 हो रही है, पर हम जीटी खेलते हैं चलो जल्दी जल्दी, लेट्स सी भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो। भाई साहब देख रहे हो तीनों कैरेक्टर्स बड़े बड़े, अभी आ रहे सिंकिंग डेटा, मेरे ख्याल से सेव फाइल्स के लिए था, और बाकी इंट्रो तो भाई बिल्कुल सेम ही होगा गेम का, वो दिक्कत है नहीं मतलब कि अलग आएगा। और ये डिस्क भी ना भाई पुराने वाला ही वर्जन है जीटीए का, एक्सटेंडेड जो अपना आया था ना, एक्सटेंडेड कह रहा हूं सोरा, जो अपग्रेडेड आया था वो आपको डिस्क में नहीं उल्टा उसमें मिल जाएगा जो डिजिटल वाली है। तो ये देखो भैया एंट्रिंग स्टोरी मोड फेमस करने है जीटीए की। ये सारा ना मैं कंपैरिजन वीडियो एक बनाऊंगा भाई की जो स्पीड्स है ना वो एक्सबॉक्स और PS5 में कितना फर्क है, बट ये भी जल्दी हो गया भाई, ये देखो कितनी जल्दी स्टार्ट हो गई। तो वो SSD का कमाल है भाई ये, अभी मैंने आवाज जो है वो बंद कर रखी है। यार ग्राफिक्स वगैरह तो अपना एक्सबॉक्स में भी क्या बोल रहा हूँ, एक्सबॉक्स में उल्टा ज्यादा बढ़िया होंगे। लेट्स गो भाई, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। एक तो ये फर्स्ट मिशन इतनी बार खेल लिया ना मैंने अपनी लाइफ में, भाई बोर हो गया हूँ ये देख देख के, तो जल्दी जल्दी इसको स्किप करके थोड़ा गाड़ी वाला या फिर बंदूक का एक्शन देखते हैं। लो जी भाई एक्शन तो शुरू हो गया है, और कंट्रोलर का अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जॉयस्टिक में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं लग रहा, पर थोड़े से ना हार्ड है इसके जॉयस्टिक, मतलब प्लेस्टेशन 5 में मुझे ज़्यादा स्मूथ लग रहे थे। और इसके बटन भी अरे अरे अरे, अरे तो पेल दिया भाई, भागो, मार दिया भाई साहब। हाँ बाकी वाइब्रेशन जो है ना भाई ये अच्छी है, मतलब थोड़ा अच्छा मज़ा आ रहा है। अब ये कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह में जो लेटेस्ट टाइटल्स है ना उसमें कैसा एक्सपीरियंस है ट्रिगर्स वगैरह का वो देखना पड़ेगा बाद में, बट स्टिल अभी भी कंट्रोलर मुझे तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। और जो कंट्रोल्स बटन्स वगैरह ना वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है प्लेस्टेशन के, जिससे एम होता है जिससे वो, बस यही है कि बटन के नाम चेंज हो गया है, उसमें L1 L2 होता है, इसमें भाई RT RB करके दे रखा है, LB LT करके दे रखा है। ये देखो भाई डिटेल में देखो क्या मस्त आ रहा है। और अब चलो फटाफट से चलाते हैं गाड़ी, लेट्स सी गाड़ी में क्या से कंट्रोल मिलेंगे अपने को। ड्राइवर भैया अपना आपको बताइए कितना शातिर है, देख रहे हो डरता नहीं है ऐसे खिड़की से बाहर निकल के, ओ गोली पड़ गई भाई साहब। गाड़ी का भी भाई रिस्पॉन्स मतलब वही है, चलाने में अपना कंट्रोलर बिल्कुल मस्त चल रहा है, ऐसा मुझे इतना बड़ा कुछ खास डिफरेंस ना दिखाई नहीं दे रहा अभी एक्सबॉक्स और प्लेस्टेशन 5 में, दोनों बराबर बराबर से ही लग रहे हैं डिस्प्ले वाइज भी और एंड परफॉर्मेंस वाइज भी। हालांकि अगर मेरा यही 120 हर्ट्ज का टीवी होता जब थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस पता चल पाती, बट अगर 60 FPS में ही खेल रहे हैं तो भाई फिर चाहे PS5 हो या फिर अपना एक्सबॉक्स हो क्या ही फर्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल से गेम प्ले इतना ही रखते हैं भाई, बाकी आज रात को मैं फीफा वगैरह खेल के देखूंगा और जल्दी ही ना इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी बनाऊंगा आपके लिए कि कौन सा बेटर है PS5 या एक्सबॉक्स, ठीक है जी। तो ये था भाई वर्ल्ड का सबसे पावरफुल गेमिंग कंसोल एक्सबॉक्स सीरीज एक्स, पूरा आपको मैंने नॉलेज दे ही दी सेटअप से रिलेटेड भी, अकाउंट से रिलेटेड भी, एंड GTA 5 भी चला के देखी भाई, मजा आ गया। प्रॉपर 4K गेमिंग खेलने का ना स्वाद ही कुछ हो रहा है, क्या बताऊं मैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड कितने लोग प्लेस्टेशन फैन बॉय है एंड कितने लोग एक्सबॉक्स फैन बॉय है नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी बताना। सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया चैनल को, 1 मिलियन होने वाले है, अपना गोल्डन प्ले बटन आएगा। बाकी मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, खाली है वैसे, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों में नहीं पड़ना फीका, चलो जी बाय।